हिरोशिमा पर किए गए परमाणु हमले के आज 71 साल पूरे हो गए हैं। स्थानीय समय अनुसार 8 बजे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और उनके प्रतिनिधियों समेत देश के 50,000 प्रतिभागियों और करीब दुनिया के 90 देशों ने इस दुखद घटना पर एक मिनट का मौन रखा। वहीं वाशिंगटन के किसी वरिष्ठतम अधिकारी ने पहली बार जापान की इस दुखद घटना के कार्यक्रम में शिरकत की है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर हिरोशिमा हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है। नैनीताल में आज स्कूली बच्चों ने दुनिया के तमाम देशों से परमाणु हथियारों से दूर रहने की अपील की और नो मोर हिरोशिमा के साथ शांति मार्च निकाला। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, जिसके 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी पर फैट मैन नाम का बम गिराया गया। इस परमाणु हमले में करीब 2 लाख लोग मारे गए। बम का असर इतना घातक था कि हिरोशिमा शहर और आसपास के लोगों को सालों तक कई भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने बहुत कुछ खोया और आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज हर देश परमाणु हथियारों के बल पर सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन परमाणु हमले की वजह से जापान में हुई इंसानियत की तबाही को याद कर हर कोई सहर उठता है। ऐसे में तो हम भी नैनीताल के बच्चों की आवाज को बुलंद करते हुए यही कहेंगे कि नो मोर हिरोशिमा। देखते रहिए डीबी लाइव।